ये एक बहुत ही मजेदार प्रयोग है। इस प्रयोग में हम देखेंगे कि साबुन के बुलबुले का आकार स्ट्रॉ के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। आप एक साधारण सी स्ट्रॉ लीजिए, दूसरी स्ट्रॉ जो नीली वाली है उसको तिरछा काट दीजिए जिससे कि उसका कुछ सरफेस साइज क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाए। तीसरी पीली स्ट्रॉ में आप पहले चार कट लगाइए और इन चारों कटों को आप फैला करके एक फूल की चार पंखुड़ी जैसी बना दीजिए। इस पीली स्ट्रॉ का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। ये देखिए, पीली स्ट्रॉ है, चार पंखुड़ियां हैं, इसका क्षेत्रफल सबसे, हरी वाली का सबसे कम, नीली वाली का मध्यम, पीली का सबसे ज्यादा। अब हरी वाली को हम साबुन के घोल में डुबोएंगे, फूकेंगे तो एक छोटे नाप का साबुन का बुलबुला बनेगा। ये देखिए, छोटे नाप का बुलबुला है। अब हम नीली स्ट्रॉ जो तिरछी कटी है जिसका क्षेत्रफल कुछ ज्यादा है उसमें को साबुन के घोल में डुबा करके फूकेंगे तो एक थोड़े से बड़े आकार का बुलबुला बनेगा, इसको हम मध्यम आकार का बुलबुला कहेंगे। और जो हम तीसरी वाली स्ट्रॉ जिसमें चार पंखुड़ियां हैं, सबसे अधिक उसका सतही क्षेत्रफल है, उसमें को साबुन में डुबा के अगर फूकेंगे तो सबसे बड़े आकार का साबुन का बुलबुला बनेगा। इसके मतलब जितनी कम सतही क्षेत्रफल उतना छोटा बुलबुला, जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल उतना बड़ा साबुन का बुलबुला।